हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मेरा सबसे है गहना अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है, ताकि जाए ना किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है, चलो सफल करें अभियान, अभी भी सावधान रहना है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दुकानदार सहित 3 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दुकान को किया सील। सनोवा खान की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर 15 मई तक संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान दुकान, प्रतिष्ठान और बाजार खोले जाने को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है। इसके तहत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही बाजार के दुकानों को खोलना है। बावजूद इसके भागलपुर के सुजागंज बाजार के कुछ दुकानदारों के द्वारा चोरी छिपे दुकानदारी किए जाने की सूचना मिलने के बाद जगदीशपुर सीओ और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल सुजागंज बाजार के सुदर्शन कपड़े की दुकान में दुकानदार के द्वारा चोरी छुपे कपड़ा बेचे जाने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान दुकान के अंदर कई लोग मौजूद थे, जिसे विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया, जबकि दुकान मालिक सहित 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है। सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सीओ सर थोड़ा पीछे हो जाइए ना। चलो निकलो। जहांगीर आपके बाद